गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल टेक एनजे। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था आप सबको बताऊँ यूट्यूब के एसईओ के बारे में, और मैंने दो वीडियोस अपनी डाली हुई थी गाइज यूट्यूब एसईओ के बारे में, आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने। आप सबको ओवरऑल तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे करते हैं हम लोग सारा कुछ एसईओ में, तो आपको एक्सटेंशन से एसईओ करना तो मैंने सिखा ही दिया था गाइज। लेकिन ओवरऑल हम जब वीडियो को अपलोड करते हैं और उसके अपलोड सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं, उन पर हम लोग अगर फोकस करेंगे तो हम बहुत ही जल्दी अपने आप को रैंक कर सकते हैं। तो गाइज वो सारी डिटेल आज मैं बताने वाला हूँ आपको अपने इस वीडियो में। तो गाइज स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग। काफी सारा आपको थंबनेल के बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो में, सो देखते हैं हम आज का पूरा वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको पूरा इंटरनल मेथड, कैसे कैसे आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन और ये सब चीजें जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपको सारा कुछ भरना होता है। टाइटल बनाने का आपको वे मैंने बता ही दिया था कि आपको ट्यूबडी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप ट्यूबडी में जाकर अपने टाइटल प्लानर में टाइटल को प्लान कर सकते हो। इसी तरह आप अपनी रैंकिंग बढ़ाते हो, क्योंकि टाइटल आपका जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ही आपकी वीडियो की रैंकिंग होगी। सिमिलरली अब हम चलते हैं हमारे यूट्यूब स्टूडियो में गाइस। तो YouTube स्टूडियो मैं ओपन करने जा रहा हूँ। सो गाइज ये ओपन हो गया मेरा YouTube स्टूडियो। अब गाइज हमें करना है वीडियोस पर क्लिक, और हम वीडियोस में एडिट सेक्शन में जाकर देखेंगे। जब हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं गाइज, तो हमारे पास सेम वही चीज ओपन होकर आती है और हमें वही सब फिल करना होता है। तो गाइज अब हम जाने वाले हैं अपने वीडियो एडिटिंग के सेक्शन में। जो मैंने अपनी रिसेंट वीडियो डाली थी मैं उस पर चलता हूं और आपको दिखाता हूं वीडियो एडिट पर जाकर क्या क्या आपको फिल करना है। तो गाइज जैसा कि ओपन हो गया है मेरा वीडियो एडिटिंग का सेक्शन और आप देख रहे हो, सिमिलरली ये सारी चीजें जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हो यूट्यूब पर, ये सारी चीजें आपको फिल करनी होती हैं, लाइक टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स। गाइज पहला हमारा मेन फोकस होता है टाइटल का। टाइटल हमने फिल कर दिया, हमने ट्यूबडी की हेल्प ली या फिर विडाइक्यू की हेल्प ली, दोनों ही एक्सटेंशन बहुत ही अच्छे हैं अपने आप में, और दोनों ही एक्सटेंशन का हेल्प लेके आप अपना एक अच्छा रैंक करने वाला टाइटल बना सकते हो गाइज। देन हमें डिस्क्रिप्शन पर वर्क करना है। गाइज डिस्क्रिप्शन में आपको ये ध्यान देना है कि आपका डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा लंबा भी ना हो और बहुत ज्यादा छोटा भी ना हो, आपको मिनिमम 500 वर्ड्स तो रखने ही चाहिए, जिससे आप एक ब्रीफ दे सको कि आपकी वीडियो में क्या है, कि आप कंटेंट ला रहे हो अपनी ऑडियंस के लिए। तो गाइज आपकी ऑडियंस को पता होगा कि आपकी वीडियो में कंटेंट क्या है, तो गाइज वो आपकी वीडियो पर इजीली अप्रोच कर सकेंगे और आपकी वीडियोस पर क्लिक अच्छे खासे होंगे और व्यूज भी अच्छे खासे आएंगे। सो गाइज सिमिलरली आप देख सकते हो मैंने ओवरऑल 645 के अराउंड वर्ड्स लिख रखे हैं। तो गाइज आपको भी 500 एंड 500 अबव वर्ड्स पर काम करना है, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 1000 अप्रॉक्स। आप ज्यादा डिटेल भी भर दोगे तो कोई इतना ज्यादा प्रेफरेंस देता नहीं है, क्योंकि कोई इतना डीपली नहीं पढ़ता। टाइटल का पार्ट जो आपका मेन टाइटल है वो इसमें होना चाहिए मेंशन, ताकि आप उसको एक रैंक वीडियो बना सको। गाइज हैशटैग आप जरूर यूज करें, इससे क्या होता है आपके वीडियो पर आपका हैशटैग हाईलाइट होता है और उससे एक आपकी रैंकिंग बढ़ जाती है और काफी हेल्प करता है आपके व्यूज गेन करने में। तो आपको हैशटैग का प्रॉपर यूज आना चाहिए। एंड साथ में गाइज अपने ज्यादा से ज्यादा लिंक्स जो आपके सोशल के हैं वो आप मेंशन कीजिए, लाइक इंस्टा ट्विटर एंड एवरीथिंग गाइज, जो भी आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, क्योंकि उससे क्या होगा आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है, आपके रियल वर्ल्ड में आप क्या कर रहे हो, आप कैसे करते हो, सब कुछ आपके बारे में जानना चाहती है। तो गाइज इन सबको जानने के लिए वो आपसे कनेक्ट होगी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, आपके लाइक फेसबुक इंस्टा इन सबसे कनेक्ट होकर आपके बारे में जानना चाहेगी। और कुछ ये भी होता है ऑडियंस आपके साथ डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकती है, या फिर किसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो आपसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं इस चीज पर। तो गाइज आपकी ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाने के लिए और आपकी ऑडियंस को ग्रो करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपकी ओवरऑल ग्रोथ होगी। तो गाइज आपके व्यूज भी बढ़ेंगे और साथ में ही आपका ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है थंबनेल। थंबनेल के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। थंबनेल्स के लिए जो हमारे पास ऐप है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करके दे सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। गाइज आपको एडिटिंग करनी है तो थोड़ी बहुत नॉलेज, प्रायर नॉलेज आपको चाहिए उसके लिए, देन आप इजीली कर सकते हो। और ऐसे तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर ऑटोमेटिक बिल्ड होकर आते हैं थंबनेल, लेकिन अगर आपको कुछ और अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना है तो उसके लिए आपको ऐप्स का यूज करना पड़ता है। उन ऐप्स का ही सारा खेल है। अगर आप उनकी एडिटिंग सीख गए और आप उन पर कैसे काम करना है ये सीख गए, तो आप इजीली थंबनेल बना सकते हो गाइज। तो मैं लेके चलता हूँ आपको टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थंबनेल बनाने के ऐप। तो पहला है हमारा गाइस कैनवा। कैनवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैनवा पर मैं भी खुद बनाता हूँ गाइस थंबनेल, और कैनवा बहुत ही इजी है, सीखने के लिए भी बहुत इजी है, और उसमें सारे इफेक्ट और टेम्पलेट इजीली अवेलेबल है। तो हम देखने वाले हैं कैनवा को उसकी वेबसाइट पर, तो मैं वेबसाइट पर दिखाता हूँ आपको कैनवा। आ गए हैं हम कैनवा पर। कैनवा पर आप देख सकते हो गाइस थाउजेंड ऑफ टेम्पलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, और आप इनका जो चाहे जिस तरीके से चाहे आप यूज कर सकते हो। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये यूट्यूब थंबनेल के लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं खुद इससे यूट्यूब के थंबनेल जनरेट करता हूँ। और गाइस मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे डिजाइन एनीथिंग में आप टाइप करोगे यूट्यूब थंबनेल, आपके यूट्यूब थंबनेल्स के टेम्पलेट
ओपन होकर आ जाएंगे। आप जिस भी कैटेगरी में थंबनेल बनाना चाहो, आपका चैनल किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो, उसके बहुत सारे थंबनेल्स के टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सिर्फ आपको क्या करना है, एक एडिटिंग करनी है और आपको अपना टेक्स्ट डालना है, वो टेक्स्ट आप इनपुट कर दो, आपके और थंबनेल रेडी हो जाएगा गाइज। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत सारे आपके पास टेम्पलेट आ गए हैं। इन टेम्पलेट्स पे गाइज आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और गाइज अपनी पिक्चर्स को रिमूव करके नए पिक्चर्स को एड ऑन करना है और अपने वीडियो के अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं, आपका थंबनेल हो जाएगा रेडी। थंबनेल को आप डायरेक्टली अपनी वीडियो पर अपलोड करके एक अच्छा थंबनेल कर सकते हो गाइज। कैनवा की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको कोई भी चार्जेस पेड नहीं करना है, बस आपको एक लॉगिन करना है अपनी जीमेल की आईडी से या किसी भी आईडी से आप लॉगिन कर लो एंड देन आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो। नीश के अकॉर्डिंग आपका जो सुटेबल टेम्पलेट है, आप जो भी बनाना चाहते हो, आप उसमें जो भी पिक्चर अपलोड करना चाहते हो, वो सब कुछ फैसिलिटीज में अवेलेबल है, आप इंस्टेंटली कर सकते हो गाइज और बहुत ही ईजी है ये सब करना। आगे हम पिकमंकी की साइट पर और आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पर भी आप टेम्पलेट्स, पोस्टर और थंबनेल को जनरेट कर सकते हो बहुत ईजिली गाइज। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका सारा काम हो जाएगा इजीली। गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यूज कर रहे हो चाहे कैनवा हो चाहे पिकमंकी हो, दोनों ही अपने आप में बेस्ट हैं और आप अपनी वीडियो के लिए एक अच्छा थंबनेल जनरेट कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर थंबनेल। अब चलते हैं हम अपने टैक्स के सेक्शन में, टैक्स इस तरह फिल करने हैं, क्या क्या होता है टैक्स का फिल करने का प्रोसीजर। आप देख ही रहे हो थंबनेल के बाद हमारा आ गया है टैक्स का सेक्शन। आप देख रहे हो कितने सारे टैक्स मैंने फिल कर रखे हैं। मेरी रिसेंट जो वीडियो आई थी माय बर्थडे के ऊपर जो वीडियो आई थी उसके लिए मैंने टैक्स लगाए हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको देखना होगा मेरे दो कीवर्ड जो हैं, जो आपके दो कीवर्ड होने चाहिए, वो वीडियो का जो मेन स्टफ है वो होना चाहिए। लाइक आपका जिस भी चीज से रिलेटेड है स्टफ, मेरा स्टफ बर्थडे से रिलेटेड था इसलिए मैंने बर्थडे को हाईलाइटेड कीवर्ड्स में डाला है। ये हाईलाइटेड कीवर्ड्स होते हैं। देन आता है हमारे चैनल के कीवर्ड्स। चैनल के कीवर्ड्स आपको इसलिए डालने चाहिए जिससे आपकी चैनल की रैंकिंग बढ़े और आपके चैनल की बहुत सारी वीडियोस हैं जो सजेस्टेड में शो होंगी आपकी इस वीडियो के नीचे। तो गाइज अगर आपका चैनल मेंशन नहीं होगा तो यूट्यूब सजेस्टेड वीडियो में आपकी वीडियो को नहीं दिखाएगा। तो गाइज ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आपको अपनी सजेस्टेड वीडियो में अपनी ही वीडियो दिखवानी है तो आपको अपने चैनल का टैग जरूर मेंशन करना है। गाइज अब हम बात करने वाले हैं हमारे इस वीडियो के बोनस टिप की। इस वीडियो का बोनस टिप है गाइज किस तरह से आप अपने व्यूज और किस तरह से अपने सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हो और एक अपनी वीडियो की अच्छी रैंकिंग कर सकते हो। गाइज वीडियो की रैंकिंग बनाने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह से यूज कर सकते हो, क्योंकि गाइज कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है आपका इनिशियल व्यूज और इनिशियल ऑडियंस रिटेंशन। अगर ये प्रॉपर नहीं होगी तो आपकी वीडियो वायरल नहीं जाने वाली और आपके पास व्यूज नहीं आने वाले। तो अगर आप एक अल्टीमेट वायरल वीडियो चाहते हो तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो गाइज। आपने जिस भी कीवर्ड से रिलेटेड वीडियो बनाया है उस कीवर्ड पर जाना है और उसका जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो आ रहा है उसको आपने देखना है, कुछ सेकंड के लिए देखना है गाइज। और कुछ सेकंड के लिए देखने के बाद आपको बैक करके आपको अपना वीडियो पूरा का पूरा देखना है। उससे क्या होगा गाइज, यूट्यूब को लगेगा कि आपने ये जो कंटेंट बनाया है ये बहुत ज्यादा कुछ अच्छा है और एक इमेजिनरी इमेज क्रिएट हो जाएगी यूट्यूब के लिए कि ये वीडियो को वो ऊपर रिकमेंड करेगा कुछ टाइम के लिए। तो गाइज कुछ टाइम के लिए आपके वीडियो पर व्यूज आने लगेंगे और कुछ टाइम के लिए आपके वीडियो पर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज बताया मैंने आपको इस वीडियो में पूरा यूट्यूब एसईओ के बारे में, कैसे करते हैं हम डिटेल में ये सब चीजें और कैसे आप थंबनेल को जनरेट कर सकते हो और एक अच्छा थंबनेल बना सकते हो। तो गाइज आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। एंड एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि मेरे को इस वीडियो पे चाहिए मिनिमम 20 लाइक्स। गाइज 20 लाइक्स में मैं खुश हो जाऊंगा, तो आपको 20 लाइक्स तो देने ही देने हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।